हेलो एवरीवन माय माई यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लास के साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल ओबोलोशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी मॉइट मल्टीपल ओबन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें जो फीमेल कैटल्स हैं उनकी बॉडी में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग स्टिबिलिटी हॉर्मोन्स को एडमायर किया जाता है इंजेक्ट किया जाता है जिससे वो सुपर ओबोल्यूशन की प्रोसेस को पूरा करते हैं सुपर ओबल्यूशन सिंपली ओबोल्यूशन को जानते हैं Ovulation, release of egg from ovary, is known as ovulation. Super means ovary um, normally one time of cycle only one egg release from ovary, but in case of super many six to eight eggs release from ovary one time of cycle is known as super ovulation. So cow and other female cattle's जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़फुल होती हैं एज ए मिल्क यल्डिंग के लिए इसलिए ये सुपर ओबन की प्रोसेस की जाती है जब उस काव में सिक्स टू एट एक्स एक साइकिल में रिलीज हो जाती हैं उस काव को एक सेलेक्टेड वेल ब्रीड के मेड ब्रीड uh, के बुल uh, से मेटिंग की जाती है मेटिंग की जाती है एंड हम ये भी कर सकते हैं आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन की प्रोसेस की जा सकती है आर्टिफिशियल इंसेमिस का मीन्स है ह्यूमन बींग्स के द्वारा सीमेंस को उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र कर देना इंजेक्ट कर देना आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहता है सीमेंस को एक सेलेक्टेड वेल ब्रीड के बुल से फ्रोजन कंडीशन में स्टोर किया जाता है एंड जब ये मेटिंग वाली कंडीशन या एग्स को फर्टिलाइज वाली कंडीशन आती है तो ह्यूमन बींग्स इस सीमेंस को इस स्टोर्ड सीमेंस को बॉडी में ट्रांसफ़र कर देता है जिससे जो एग्स हैं वो फर्टिलाइज हो जाते हैं फर्टिलाइज एग्स जाइगोड कहलाता है जाइगोड में माइटोटिक सेल डिवीजन होता है और वो टू सेल में डिवाइड हो जाता है टू सेल फोर सेल्स में डिवाइड हो, सेल, सेल हो जाते हैं फोर सेल एट सेल में डिवाइड हो जाते हैं एट सेल सिक्सटीन सेल में डिवाइड हो जाते हैं सिक्सटी सेल थर्टी टू सेल्स में हो जाते हैं तो थर्टी टू सेल स्टेज ब्लास्टूला स्टेज कहलाती है और सिक्सटीन सेल स्टेज मोरुला स्टेज कहलाती है तो जब थर्टी टू सेल स्टेज आती है यानी कि एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर फर्टिलाइज्ड एग सेल्स जो कि थर्टी टू सेल स्टेज के है ब्लास्टुला उस ब्लास्टुला को हम सरोगेट मदर काओ में ट्रांसफर कर देते हैं सरोगेट मदर काओ का मीन्स है नर्सिंग काओ मीन्स एक ऐसी काओ जो इस थर्टी टू सेल स्टेज के ब्लास्टुला को इस थर्टी टू स्टेज के एम्ब्रियो को अपनी बॉडी में रियरिंग एंड केयरिंग कर सके जिससे वो यंग यंगमेंट्स को प्रोड्यूस कर सके उस मदर मदरकाओ को सरोगेट मदर काओ या सरोगेट मदर्स के नाम से जाना जाता है इस टेक्नोलॉजी में जो एनिमल्स का यूज़ किया जाता है वो कैटल्स मीनस ऑल कैटल्स, रेबिट्स मेयर्स इन एनिमल्स को मोइड की प्रोसेस से क्या किया जाता है रेयरिंग यानी प्रोडक्शन किया जाता है जिससे ये ह्यूमन बींग्स में मीट एग्स एंड अदर यूजफुल पर्पस के लिए वन टाइम में सिक्स टू एट यंग वंस को वेल well ब्रीड को प्रोड्यूस कर सके तो इसलिए इस प्रोसेस का नाम मॉइट है मल्टीपल ओबल्यूशन मीन सिक्स टू एट एग प्रोड्यूस सिक्स टू एट एग रिलीज वन टाइम ऑफ साइकिल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जब वो एम्ब्रियो 32 टू सेल स्टेज का हो जाता है उसको सरोगेट मदर में ट्रांसफ़र करना ये क्या हो गया एम्ब्रियो ट्रांसफ़र तो, तो टोटल क्या हो गया ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी हो गई जिसको हम कहते हैं मोइट एम ओ टी मल्टीपल ओबलेसन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र अब जब ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस में जो भी एनिमल्स हैं उन एनिमल्स को उनकी मिल्क यल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए और उनमें से जो मीट एल्डिंग कैपेसिटी है उसको भी इनक्रीज करने के लिए आर्टिफिशियल मैनियर में फर्टिलाइज़ करा के आर्टिफिशियल मैनियर में ओबल्यूशन कराने के लिए ये टेक्निक का यूज किया जाता है इसीलिए ये टेक्निक फूड इनहेंसमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जिस तरह से पॉपुलेशन इनक्रीज हो रही है इनहेंस हो रही है सेम उसी मैनर में ऐसी टेक्नोलॉजी आई है जिससे मिल्क यल्डिंग मीट एल्डिंग एनिमल्स को एक टाइम में मैक्सिमम उनको प्रोड्यूस किया जा सके जिससे मिल्क कंजम्पशन में हेल्पफुल हो एंड माल न्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम नहीं आए थैंक यू एंड मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना सब्सक्राइब करना शेयर करना ओके okay.